नमस्कार दोस्तों, डीबी इलेक्ट्रॉनिक्स में और एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत। आज मैं लेके आया हूँ जीमेल अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है या तो फिर जीमेल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो। जीमेल अकाउंट बेसिकली आपको एंड्रॉयड मोबाइल अगर चलाना है तो उसमें आपको लॉगिन करना है, चाहे आप कोई भी प्ले स्टोर से कुछ ऐप्स डाउनलोड करें या तो फिर आप जीमेल एक्सेस करें, आपको अकाउंट करना ही है। किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में जीमेल अकाउंट लगता है और मैं आज दिखाऊंगा डेस्कटॉप में कि जीमेल अकाउंट कैसे खोला जाता है। आप इसी जीमेल अकाउंट को मोबाइल में लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कैसे ओपन किया जाता है जीमेल अकाउंट। उससे पहले हमारा जो चैनल है डीबी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैं इसी तरीका का टेक्निकल एंड इन्फॉर्मेशन वीडियो लाते रहता हूँ। आप हमारा बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चले आए हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। यहाँ पे आपको पहले जो जाना है, ये जीमेल वाला जो साइन गूगल खोलने के बाद यहाँ पे साइन इन वाला जो ऑप्शन दे रहा है, इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना होता है। साइन इन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए क्रिएट अकाउंट एक ऑप्शन दे रहा है, क्रिएट अकाउंट। तो यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट में क्लिक करना है। फिर देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है फॉर पर्सनल यूज़, फॉर माय चाइल्ड, फॉर वर्क और माय बिजनेस। तो ये बेसिकली इंडिविजुअल यूज़ के लिए है। अगर कोई भी अपना मोबाइल या फिर पर्सनल यूज़ के लिए चाहते हैं जीमेल आईडी, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। ये चाइल्ड के लिए है, मतलब 18 साल के नीचे अगर कोई यूज़ कर रहा है तो फिर आपको ये अकाउंट खोलना है। ये अकाउंट खोलने के लिए आपको 18 से ऊपर एक अकाउंट भी चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। और यह है बिजनेस अकाउंट, जो लोग बिजनेस चलाते हैं उसके लिए डोमेन के साथ ये बिजनेस अकाउंट दिया जाता है। तो हम आज जाएंगे पर्सनल यूज़ के लिए 18 साल के ऊपर। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब ये इंटरफेस आएगा क्रिएट योर गूगल अकाउंट। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम जो आपका नाम है ये आप यहाँ पे टाइप कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक नाम टाइप किया। नाम टाइप करने के बाद यहाँ पे लास्ट नेम जो है आपका सरनेम, वो यहाँ पे लिखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब यहाँ पे यूज़र नेम मांगा जा रहा है और बाद में देखिए यहाँ पे @gmail.com लिखा हुआ है। तो ये यूज़र नेम क्या है? ये यूज़र नेम जो है आपका जीमेल आईडी है, यानी जीमेल अकाउंट। ये जीमेल अकाउंट आपके नाम पे रजिस्टर हो जाएगा जो यहाँ पे देंगे। तो राकेश घोष, आप चाहे तो राकेश घोष ये दे सकते हैं, लेकिन इसका अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। अगर किसी और ने इसी नाम से खोल के रखा है जीमेल अकाउंट तो फिर आपको नहीं मिलेगा। तो राकेश घोष, यहाँ पे जैसे ही आप नीचे आइएगा तो दिख रहा है कि दैट यूज़र नेम इज टेकन, ट्राई अनदर। इसका मतलब क्या है? ये जो ईमेल आईडी है ऑलरेडी कोई यूज़ कर रहा है, इसका मतलब वो पहले से बना चुका है, तो आपको ये नहीं मिलेगा। तो इसके साथ आपको कुछ नंबर या तो फिर कुछ एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे डालना होगा। जैसे आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे राकेश घोष .2023 ये डाल दिया। अभी देख लेते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट जो है कुछ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे कोलकाता .कोलकाता। अब देखिए कुछ एरर नहीं आया, इसका मतलब जो है ये ईमेल आईडी अवेलेबल है, मतलब मैं यहाँ पे नया अकाउंट इस नाम से खोल सकता हूँ। तो मेरा अकाउंट रहेगा राकेश घोष के नाम से और ये राकेश घोष .कोलकाता ये मेरा ईमेल आईडी होगा। अब यहाँ पे पासवर्ड मांगा जा रहा है, आप अपने अनुसार पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे 8 कैरेक्टर मिनिमम देना होगा और यहाँ पे लेटर्स, नंबर्स और सिंबल तीनों का जो है कंबाइंड करके आपको पासवर्ड बनाना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बना रहा हूँ RAKESH@123 ऐसे बना दिए, यानी तीनों कंबाइंड। जैसे राकेश ये हो गया ABCD में अल्फ़ाबेट, @ एक सिंबल बन गया और 123 ये जो न्यूमेरिक बन गया, यानी तीनों को कंबाइंड करके ही आपको बनाना है। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड अपने अनुसार डाल दिया, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे क्लिक करना होगा नेक्स्ट में।
जैसे आप नेक्स्ट में क्रिएट कीजिएगा तो देखिए आपको वेलकम कर रहा है, वेलकम टू गूगल राकेश। आपका राकेश गोहोस्ट डॉट कोलकाता एट द रेट जी मेल आई टी बन गया है। अब आपको वेरीफाई करना होगा आपके मोबाइल नंबर से, ये किया जाता है कि आप जेन्यून है कि नहीं, इसीलिए तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे के वेरीफाई कर लेना है। देखिए रिकवरी ईमेल एड्रेस दिया जा रहा है, ये ऑप्शनल है। ये अगर आप दीजिएगा रिकवरी ईमेल एड्रेस तो कभी भी अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर ये मोबाइल भी खो जाता है तो ये रिकवरी ईमेल में आप रिकवरी कर सकते हैं अपने मेल आईडी को। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर से ही हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन जन्म साल महीना तारीख सब दे दीजिए, मैंने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है मेल या फीमेल, ये आप दे दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए, जैसे आप नेक्स्ट कीजिएगा ये वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे सेंड करना है। जैसे सेंड कीजिए एक गूगल की ओर से मैसेज आएगा आपके मोबाइल पे। उस मोबाइल नंबर पे जो मैसेज आया है गूगल की ओर से, ये मैसेज यहाँ पे डालना होता है। 9832573257 अब करना है वेरीफाई। यहाँ पे यस कर देना है। इसके बाद जो भी आपको ऑप्शन आएगा यस या एग्री करके आपको आगे चले जाना है। अब देखिए ये मेरा गूगल अकाउंट लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे देखिए नाम आ रहा है मेरा राकेश घोष। तो अब आप जीमेल में जाइए, जीमेल में जाइएगा, ये देखिए जीमेल मेरा ओपन हो रहा है। ये देखिए जीमेल मेरा इनबॉक्स सेंट आइटम, अभी तो सेंट आइटम कुछ है नहीं, किसी को मेल भेजे नहीं, आप अभी मेल भेज सकते हैं। तो मेल भेजने के लिए आपको सिंपली कॉम्पोज में क्लिक करना होता है। आपको यहाँ पे मेल आईडी टाइप करना है जिसको आपको भेजना है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट देना है, तो मैंने ऐसे ही जो है टेक्स्ट मैसेज भेजूँगा। यहाँ पे मैं हाय और गुड मॉर्निंग कुछ लिख के मैं भेज दूँगा। और यहाँ पे देखिए अटैच का बटन है, ये अटैच में कुछ भी डाल सकता हूँ, कोई फ़ोटो वगैरह मैं सेंड कर सकता हूँ जो डेस्कटॉप में पहले से है। जैसे कि मुझे यस भेजना है, तो ये अटैच हो गया, अभी सेंड में क्लिक कर देना है। अब ये मैसेज चला गया। अब सेंड आइटम में देखिए आपको ये मैसेज मिल जाएगा, देखिए ये मैसेज चला गया जिसको भेजा गया। तो इसी तरीके से जो आपका जीमेल अकाउंट बनाना पड़ता है, आप कहीं भी लॉगिन कीजिएगा तो ये जो आपका आईडी है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये राकेश घोष कोलकाता @gmail.com ये आपका ईमेल आईडी है और पासवर्ड जो आपने बनाए हैं वही है पासवर्ड। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।